हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई के पहले 2 हफ्ते की रीड, जो कि शुरू होता है 1 से लेके 14 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एरीज के लिए। सो देखते हैं एरीज के लिए कैसा रहेगा मई के पहले 2 हफ्ते का टाइम। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। सो एरीज, देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए पहले 2 हफ्ते का टाइम जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेट्स बिगिन। थ्री ऑफ कप्स, कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलेगी जिसके बाद आप काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ में। कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, हो सकता है फेयरवेल पार्टी हो सकता है कि एक गेट टुगेदर हो। और मुझे लगता है कि स्टार्ट जो है महीने का आप काफ़ी अच्छे से करोगे, पॉजिटिव वे में करोगे। आप काफ़ी टाइम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ स्पेंड करने वाले हो सकता है कि आपके करीबी लोग कुछ जो हैं, हो सकता है कि आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि कुछ खुशी जो है वो सेलिब्रेट होगी। वो आपसे कनेक्टेड भी हो सकती है, हो सकता है कि आपके क्लोज जो मेंबर्स ऑफ योर फैमिली हैं उनसे कनेक्टेड भी हो सकती है। किसी की एंगेजमेंट पार्टी, किसी की बर्थडे पार्टी, उस तरह की चीज़ भी हो सकती है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपसे कनेक्टेड नहीं होगी। जो आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, जिस भी चीज़ को आप इंजॉय कर रहे हो, वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, वो किसी आपके किसी क्लोज पर्सन से कनेक्टेड रहेगी। नाउ अगर आप सिंगल हो काफ़ी टाइम से और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ऐड हो, तो कोशिश करो जब आप इस गैदरिंग से निकल कर वापस आओ तो अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ आप थोड़ा यू नो, मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरों को देख के अपने आप को चेंज करो, जस्ट दैट कि आपको रियलाइज़ होगा कि आपने शायद अपनी लाइफ अपने लिए खुद से टफ़ कर ली हुई है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फ़न का एलिमेंट कम है, वो चीज़ आपको रियलाइज़ करने की बहुत ज़रूरत होगी। स्पेशली जब आप उस गैदरिंग से होके आओगे, आपको अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ आप अपनी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी ऐड कर सकते हो, क्योंकि सीम्स लाइक कि राइट नाउ आपकी लाइफ काफ़ी डेड एंड ड्राई हो चुकी है। चाहे जो भी रीज़न है, लव लाइफ में मसले हैं उसकी वजह से है, काम के मसले हैं उसकी वजह से है, मैरिड हो ऑलरेडी, टेंशन बहुत ज़्यादा हैं उसकी वजह से, कहीं ना कहीं यू नीड टू ऐड फन इन योर लाइफ। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। और कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिव करो, यू नो, पॉजिटिव इन अ वे जहाँ पे आप मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका बिलीव बहुत नेगेटिव और रिजिड बन चुका है कि आप जो चाहते हो आपको कभी वो नहीं मिलता। लोगों को तो बहुत आसानी से हर चीज़ मिल जाती है, उनकी तो लव लाइफ में भी यू नो, एक बॉयफ्रेंड के बाद अगला बॉयफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड के बाद अगली गर्लफ्रेंड आ जाती है, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, उस तरह की एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को ओवर यू नो क्रिटिकली जो है वो एनालाइज़ कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ आपके अंदर गलत है, जो कि है भी इन अ वे। आपकी सोच थोड़ी नेगेटिव हो चुकी है फॉर वट एवर रीज़न, पास में जो रहा उसकी वजह से भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप दूसरों को अपने साथ, अपने दूसरों की सिचुएशन को अपने साथ मैच ज़रूर करते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते कि दूसरा बंदा कितना फन लविंग है या कितना अच्छा है, पॉजिटिव है टूवर्ड्स लाइफ ओवरऑल। यू नो, किसी एक चीज़ को लेकर वो इतना ज़्यादा, यू नो, अक्सर लोग होते हैं जो जिनके लिए लाइफ इज़ सो ईज़ी। क्यों होता है उनकी लाइफ ईजी? क्योंकि वो खुश रहते हैं विद वट एवर दे हैव, यू नो। और कुछ लोग होते हैं उनके पास सारा कुछ होता है लेकिन एक एरिया उनका लाइफ का जैसे अच्छा नहीं गुजर रहा, एंड देन यू स्टार्ट काइंड ऑफ यू नो अपने सिचुएशन को दूसरों से कंपेयर करके फिर आपको ये लगने लग जाता है कि दूसरे को पता नहीं क्यों मिल गया, मुझे तो नहीं मिला। वो सिचुएशन मुझे लग रही कि कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, और आप अपने अंदर से कीड़े निकालने की कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं, जो कि गलत है। यू नीड टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्पेशली अगर आप प्यार ढूंढ रहे हो, आप अफेक्शन ढूंढ रहे हो, तो आपको पहले खुद के अंदर प्यार अपने लिए लेकर आना है, देन आप किसी और से एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको राइट नाउ जो ज़रूरत है वो अपने अंदर से एक नेगेटिव जो आपके अंदर जो कुछ भर चुका है उसको रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होगा, जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगे खुद के साथ, अपने आप के साथ, तब तक आप किसी और के साथ भी पॉजिटिव अच्छे नहीं हो सकते। किसी की खुशी में आप यू नो उसमें आप जाओगे ज़रूर, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब रहेगी कि इनके लिए भी इजी हो गया, इसकी भी इंगेजमेंट होगी, उसकी भी शादी हो गई, मेरे लिए एक तो नहीं हुआ। तो वो वाइब, वो चीज़ रहेगी। मेक श्योर कि जब आप कुछ ऐसा कुछ देखते हो तो उसको पॉजिटिव एंगल से देखो। आपको ये लगना चाहिए कि नाउ मे बी नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी यू, उस तरह की सोच नहीं है आपकी राइट नाउ। मुझे नहीं पता, हो सकता है आपने बहुत बुरा फेस देखा अपनी लाइफ में, लेकिन उसको बदलना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। ओनली यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर यू। आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में तो यू हैव टू स्ट्रगल टू
पुल योर सेल्फ आउट ऑफ दैट स्ट्रगल, यू नो आपको एफर्ट करना है कि आप अपने आप को उस स्ट्रगलिंग फेज से निकाल सको. राइट नाउ मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत जो है वो कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टेंशंस परेशानियां हैं. मेक श्योर कि आप मैसेजेस को अंडरस्टैंड करो और ख़ुद के साथ जस्टिस करने की कोशिश करो. कोई और आपके साथ जस्टिस नहीं करेगा. यू हैव टू लव योर सेल्फ, तभी आपको प्यार मिलेगा, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, तभी आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो. जब आप खुद को वो वैल्यू वर्थ नहीं कर रहे हो और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यू नो आप दूसरों को देख के भी आपको खुशी इस तरह से नहीं हो रही, तो दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग. आपको अपनी करंट सिचुएशन में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग गुड दैट यू वांट. नाउ अगर वो चीज़ अगर आप अंदर से फुलफिल्ड हो, तो आप कुछ ऐसा है जो कि आपके आपके दिलो दिमाग में ब्लॉक बन के रह गया है. हो सकता है कि आपकी डाइवोर्स हुई हो सकता है कि आपका एक दफ़ा बहुत ही गंदा ब्रेकअप हुआ हो सकता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया हो अपनी लाइफ में ओवरऑल. तो दैट शेल नॉट अफेक्ट यू और इम्पैक्ट यू द नेगेटिव वे. उसको वो जो आपका एग्रेशन है उसको पॉजिटिवली किसी चीज़ में इन्वेस्ट करो, ताकि आप उससे कुछ सीख कर बाहर निकलो और अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाओ. मुझे लगता है कि ये फेज़ आपका जो ये टाइम फ्रेम है आपके लिए, स्टार्टिंग में आप बहुत गंदा फील करने वाले हो और आपको लगेगा कि यू नो पता नहीं मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा होता, लेकिन देन शायद आप अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस या आपको लगेगा कि मे बी कुछ हो सकता है, कि कुछ चीज़ें आप पिक करो कि मे बी अगर मैं ऐसा होता या ऐसी होती तो मे बी मेरे लिए भी चीज़ें आसान होती. तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी जो है वो शायद यू नो मे बी यूनिवर्स इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद दैट. कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ आप मिस्टेक करें और कहाँ आपकी सिचुएशन आपके हक में जा सकती थी या है स्टिल, और आप उसको वर्क करने की कोशिश शायद कर सको. लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर. द फूल, थ्री ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है कि आप अपने बारे में जब भी सोचते हो तो आपको लगता है कि आप हमेशा गलत किस्म के लोग अट्रैक्ट करते हो, गलत किस्म के रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हो. चाहे अगर काम के मामलात हों तो काम में भी आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती जो आपको जो आप डिज़र्व करते हो या जो आप डिज़ायर करते हो. अगैन नेगेटिव थिंकिंग, यू नीड टू ब्रेक फ्री. जो आपके मेंटल पैटर्न्स बन चुके हैं आपको उसमें से अपने आप को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जब तक अपने आप को फ्री नहीं करोगे और अपने अंदर एक नया बिलीफ नहीं इंस्टॉल करोगे, तब तक आपकी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी. बहुत इंपॉर्टेंट है खुद के ऊपर काम करना राइट नाउ. तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा, ना लव लाइफ में, ना काम के मामले में, ना ही आपको वो रिस्पेक्ट वो इज्जत मिल सकती है जो आप चाह रहे हो, क्योंकि आप खुद को वैल्यू नहीं कर रहे हो और आपको खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि कहाँ आप अपने एंड से चीज़ें गलत कर रहे हो. वर्क ऑन योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है. और अनदर इफ यू हैव द नाइन ऑफ वांड्स, जो आप चाह रहे हो बेसिकली आप खुद उसका ब्लॉक बने हुए, जो भी चीज़ आप चाहते हो उसमें कहीं ना कहीं आप खुद रुकावट हो, कोई और इंसान, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है. जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि आपके हाथ में सारा कंट्रोल है, आप अपना माइंडसेट चेंज कर लोगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. सीक्रेट एडमायर, समवन हैज़ अ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन. हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ऐसा इंसान हो जो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन समहाउ जो आपका एटीट्यूड है, जो समहाउ आपका एक माइंडसेट है, आप जो अच्छे इंटेंशन के साथ भी लोग आते हैं तो शायद आप उनको थोड़ा नेगेटिव वे में देखते हो. कहीं ना कहीं पास्ट हैज़ टू गो, कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग हैज़ टू गो. जब तक वो नहीं होगा, जब तक ये चेंज आपके अंदर नहीं आएगा, आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी जो आप डिज़ायर करते हो. क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव नोशन आपने अटैच कर दिया हुआ है लाइफ में, जो कि हैज़ टू रिमूव. एक सेकेंड. सो या उसके अलावा देखते हैं और क्या ओरेकल गाइडेंस है आप लोगों के लिए. हैव फेथ एंड होप बिकॉज देर इज समथिंग पॉजिटिव एंड न्यू ऑन द होराइजन दैट यू कैन नॉट सी येट. कुछ अच्छा और पॉजिटिव आने वाला है जो कि शायद अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन स्टे होपफुल एंड पॉजिटिव. कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए, उस अच्छा होने के लिए आपको खुद भी अपने अंदर वो चेंज लाना पड़ेगा. देन ओनली आप वो पॉजिटिविटी देख सकते हो आने वाले दिनों में. इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल. कहीं ना कहीं आपको खुद जब आपको चेंज करोगे तो आपको यू नो अगर आप किसी एक कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, जैसा कि ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि देर इज़ अ सीक्रेट एडमायर इन योर लाइफ, लेकिन शायद वो आपको अप्रोच नहीं कर पाता, और अगर करने की सोचे भी तो कहीं ना कहीं आप शायद उसको इस यू नो एंगल से देखते हो जहाँ पे आपको लगता है कि ये भी क्या करेगा ना, यू नो ये लड़का भी इंटरेस्ट शो कर रहा है या लड़की भी इंटरेस्ट शो कर रही है, लेकिन शायद ये भी बाकी लड़कों या बाकी लड़कियों की तरह होगी. अगर आपका वो माइंडसेट है, दैट नीड्स टू चेंज अगैन. सो कहीं ना कहीं नेगेटिव नोशन जो आपने बना लिए हुए हैं डिफरेंट चीज़ों को, हो सकता है कि आपके वर्क लाइफ पे भी अफेक्ट कर रहा हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में भी अफेक्ट कर रहा हो. यू नीड टू चेंज दोज नोशंस. जब तक वो नहीं करोगे तब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी. जैसे ही आप अपने अंदर ये चेंज ले आओगे तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बाकी चेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी. सो लेट्स टेक
बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। कोशिश करो कि अपने आप को, हो सकता है कि काफ़ी आप रिलीजियस इंसान भी हो सकता है आपको लगता हो कि ये तो गलत है चीज़ करना, ये तो इस तरह से है, अगर ऐसा भी कुछ है तो मेक श्योर कि आप अपने अंदर थोड़ा बैलेंस लेके आओ, रिजिड नहीं हो अपने अंदर। काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि पार्टीज़ या उस तरह की चीज़ों में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि इट्स अगेंस्ट योर रिलीजन। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप शायद अपने आपके ने अपने आसपास बहुत ज़्यादा सॉलिड बाउंड्रीज बना ली हुई हैं, रिस्ट्रिक्शंस बना ली हुई हैं, और उसकी वजह से शायद आप फन अपनी लाइफ में ऐड नहीं करते। दैट ऑल्सो नीड्स टू चेंज। बैलेंस अगेन, ट्राई करो कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ। काफ़ी हद तक डल एंड बोरिंग लाइफ लग रही है आप लोगों की मुझे। सो लेट्स टेक द चांस नाउ, लेट्स सी द चांस हैज टू ऐड H and X। ये दो नेम इनिशियल आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। आप कहीं ना कहीं आपको कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसको चांस देना चाहते हो या नहीं चाहते। हो सकता है कि ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, ये हो सकता है कि थ्रू जो आपने पार्टी अटेंड की है या कोई गैदरिंग अटेंड की है, हो सकता है उसके थ्रू कोई आपको रीच आउट करने की कोशिश करे। लेकिन बिफोर आप उसमें जाओ, उस इंसान से बात करो, कम्युनिकेट करो, कनेक्शन में आओ, मेक श्योर कि आप अपने आप को थोड़ा न्यूट्रल लेके चलो, यू नो, थोड़ा बैलेंस लेके चलो। ज़्यादा ऑब्सेसिव वे में चीज़ों को नहीं सोचो। यू आर माई सनशाइन, और ये आपको किसी और से सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ख़ुद को कहने की ज़रूरत है कि आपको यू नीड टू लव योर सेल्फ। अगर आप बिलीव करो कि आप जैसा इंसान चाहते हो आपको वैसा इंसान मिल सकता है, ट्रस्ट में वैसा मिल सकता होगा, लेकिन somehow आपका बिलीव ही थोड़ा नेगेटिव है, दैट नीड्स टू चेंज। सो या ये थी रीडिंग आपकी। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।